नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पार्टी की कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। नसीम ने कहा, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव के बाकी बची सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार नहीं करूंगा। मैं कैंपेन कमेटी से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र के कई मुस्लिम संगठन नेता और पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय से कम एक उम्मीदवार को टिकट देगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। ये सभी पार्टी नेता और कार्यकर्ता अब उनसे पूछ रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, उम्मीदवार क्यों नहीं। मोहम्मद आरिफ खान मुंबई उत्तर मध्य से टिकट की दौड़ में थे, लेकिन पार्टी ने यहां से वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया है। इससे पहले आरिफ 2019 में मुंबई के चांदीवली से विधानसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि वह 409 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना 21 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।